और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से लगातार जंग चल रही है। हाल ही में रूस द्वारा किए गए हवाई हमले में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के दक्षिणी जियोपीजिया इलाके में मेटेरिटवर्ड की 2 मंजिल बिल्डिंग रूसी हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान रूस के हवाई हमले में नवजात शिशु की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पुलिस को एक संदिग्ध पैकेट मिला है। यह पूरी तरह से सीलबंद था। सूचना मिलते ही पुलिस ने संदिग्ध सामान को बरामद कर लिया है। जांच के दौरान पैकेट में कैश और विस्फोटक सामान बनाने की सामग्री मिली है। इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मेघालय के तुरा में 37 किलोमीटर आज सुबह 3:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 400 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 419 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 568 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 5 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64,44,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 मैच के लिए सस्पेंड किए गए हैं। उन पर 50,000 यूरो यानी कि 42,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें यह सजा फुटबॉल एसोसिएशन ने साल की शुरुआत में एक फैन के साथ मिसबिहेव करने पर दी थी। 9 अप्रैल को नोरांडो ने गोडसिन पार्क में फैंस के हाथ से उनका फोन छीनकर तोड़ दिया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने ट्विटर एक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कंपनी के नए बॉस एलन मस्क ने डाटा शेयर करते हुए दावा किया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड कप ट्रैफिक प्रति सेकंड लगभग 20,000 ट्वीट पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड की शुरुआत के साथ ही टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर के उत्तरी पहाड़ी शहरों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है, जबकि आसपास के इलाकों में कम से कम एक हफ्ते तक टेम्परेचर माइनस में ही रहने का अनुमान लगाया गया है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 185वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के 4वें दिन बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेक्सेंस 145 अंकों की बढ़त के साथ 61,656 स्तर पर खुला।